बात होती है ना, तो खाली गेम्स में ही नहीं, बहुत सारी फील्ड ऐसे हैं जहां पर हमारे देश के जो युवा लोग हैं ना वो आगे आते हैं। और कल एनजीओ सोसाइटी है एनेक्टस और शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में इसका भी सोसाइटी है और उसके प्रेसिडेंट इस समय हमारे साथ हैं प्रणय अरोड़ा। उनसे जानते हैं कि उनकी सोसाइटी क्या कर रही है। बिल्कुल जी, गुड मॉर्निंग प्रणय। गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट प्रणय, बहुत जल्दी हम आपसे जानना चाहेंगे एनेक्टस के बारे में, एक ऐसी एनजीओ जो कहीं ना कहीं थ्री टायर अप्रोच रखती है। ये अक्षर के साथ काम कर रहे हैं, अक्षर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सैनिटेशन पे काम कर रहे हैं और ग्रामोद्धार पे काम कर रहे हैं। तो प्रणय, हम जानना चाहेंगे आपसे कि इन तीनों इनिशिएटिव्स की क्या वेवलेंथ है और क्या क्या हम इसमें कर रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एनेक्टस है क्या। जी, तो एनेक्टस एक इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अभी 36 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके चैप्टर्स हैं वहाँ पे, और ऐसे ही हम एक चैप्टर है इंडिया में। जी, सो इनमें से हर चैप्टर डेवलप करता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल्स। आई अंडरस्टैंड। वी सिलेक्ट द कम्युनिटी इन नीड एंड देन वी डिवाइड द बिजनेस मॉडल अराउंड देम। तो इन इफेक्ट हम चैरिटी नहीं करते, हम उनको एक स्किल सेट देते हैं, हम उन्हें काम करना सिखाते हैं। जी, ताकि वो आगे उसको खुद आगे कैरी फॉरवर्ड करें और एक सस्टेनेबल मॉडल बन जाए। बहुत बहुत सही, एक अलग तरह की सोच है, अलग समाज निर्माण की एक अलग अप्रोच है। तो जो प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं प्रणय, तो किस तरह से आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं? तो हम प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट, जैसे आपने मेंशन किया, तो हमारा सबसे पुराना प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट सैनिटेशन सॉल्यूशंस। जी, ये हमने लगभग 5 साल पहले शुरू किया था विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग वुमेन सैनिटेशन एंड मेजरली विद अ फोकस ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ओके। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, सब जानते हैं, कि जो अक्सर इग्नोर होता है। इसके बारे में जो मिथ, जो टैबूज है, उसकी वजह से तो बहुत ही अभी हमेशा सब शाय रहते हैं बात करने के बारे में। करेक्ट। तो हमने इसको, इस टॉपिक को लिया ताकि हम बहुत सारे विलेजेस स्लम्स में गए, हमने वहाँ अवेयरनेस कैंप किए, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो वुमेन फेस करती हैं, क्या प्रॉब्लम है कि वो हेल्दी प्रैक्टिसेस नहीं अपना पा रही हैं। इसको कॉन्कर करने के लिए हमने फिर एक लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन, गुड क्वालिटी नैपकिन के मैन्युफैक्चरर से टाई अप करके डायरेक्टली इनको लिंक कर दिया है हमारी विलेज में जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। जी जी, सो दैट दे कैन अफोर्ड इट एंड दे कैन फर्दर स्प्रेड इट टू देयर विलेज एंड नियर विलेज। इसके साथ डिफरेंट सोल्यूशन के साथ हमने शुरू किया था, जिसका इम्पैक्ट हमने ओवर द ईयर महसूस किया है और इस लेवल तक किया है कि फाइनली 2014 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट के एफर्ट को रिकॉग्नाइज किया। जी जी जी। तो प्रणय, ये भी मुझे पता चला था कि आपके जो कॉलेज को है इस सोसाइटी के थ्रू, आपको फर्स्ट प्राइज भी मिला था अभी पीछे। हाँ जी, तो ये इनैक्टस, जितने भी इनैक्टस टीम्स ऑल ओवर इंडिया अभी एक्टिव हैं, जो भी ऐसे सिमिलर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट चला रही हैं, वो साल में एक बार एक कॉमन स्टेज पे आते हैं अपने प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट ट्रैक करने की, उन्होंने उनकी आउटरीच क्या रही है। तो ऐसे ही हम अपने प्रोजेक्ट्स का पूरा पोर्टफोलियो लेके बॉम्बे से नेशनल कंपटीशन के लिए जुलाई में, एंड दिस नेशनल कंपटीशन इज वेयर वी शोड आवर प्रोजेक्ट दैट व्हाट वर्क वी हैव डन एंड वन टीम दैट दे फील इज बेस्ट टू रिप्रेजेंट द कंट्री एट द एनेक्टस वर्ल्ड कप इज declared the national champions in the competition and they go on to represent India. So, ab hum agar we were declared national champions this year, so we will be going to China now as the Enactus India team. That's great. That's really great. So, Enactus SSCBS is gonna represent India in Enactus World Cup, jo ki Beijing mein hone wala hai 22 se 24 October tak. Am I right, Pranay? Yes, sir. Great. It really sounds great, Pranay. और कहीं ना कहीं एक नई सोच और एक entrepreneurship यहाँ पर नजर आती है, और हमारा युवा जब उससे जुड़ता है तो कहीं ना कहीं एक और मजबूत भारत की कल्पना हम कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी कोशिश के लिए प्रणय, हम आपकी और आपकी पूरी टीम को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहते हैं पूरे पूरे देश की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि जब हम चाइना में जाएंगे तो वहां पे भी डंका बजा के आएंगे। थैंक यू सर, बिल्कुल। हम लवली उम्मीद करते हैं कि इंडिया इस बार फाइनली, जो हमारा इम्पैक्ट है, एक सिंपल चीज है कि हम यही, जैसे आपने कहा, एक डिफरेंट सोच, हम यह आइडियोलॉजी रखते हैं कि अगर आपने किसी को आज कुछ दिया है जी, तो वो उस चीज को आज कंज्यूम कर लेगा। करेक्ट। पर अगर वही चीज आप उसको बनाना सिखा दें तो वो कल सो या उसके बाद भी जब आप वहां ना हो तो भी खुद बना सकता है। एग्जैक्टली। तो राइट थॉट, राइट अप्रोच,
or I'm sure the right objective as well. Thank you. Or right action bhi. Exactly. Thank you so much, Pranay, humse baat karne ke liye. It was lovely talking to you. Thank you, sir. Thank you so much. That's great. तो ये थे हमारे साथ प्रणय अरोड़ा जो कि प्रेसिडेंट हैं SSCBS में Enactus सोसाइटी की, और कहीं ना कहीं अब इंडिया को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं चाइना में इस सोसाइटी की अगर हम बात करें। बिल्कुल, और गोपाल मुझे लगता है कि जो हमारा जो यूथ है, युवा वर्ग है, वो देश के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ सोचता भी है, और जो भी वो सोचता है उसको कार्यान्वित भी करता है। बिल्कुल दोस्तों, 7:59 हो चुके